हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज हम स्ट्रेट सलवार बनाएंगे। आजकल बहुत फैशन में चल रही है, तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो अब हम कपड़े को खोलेंगे और खोल के इसे चेक करेंगे कि हमारा कपड़ा कितना है। तो देखिए, मैंने इसे लेंथ वाइज, जो जिधर सख्त किनारी होती है ना, वो लेंथ होती है, उस साइड ये कपड़ा मेरा डबल रखा हुआ है। ये देखिए, डबल फोल्ड है ये, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो अब हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे। तो ये मेरे पास पूरा है, पूरा यहाँ तक तो 2 मीटर है, और ये मेरे पास 25 सेंटीमीटर है। 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने मतलब लगभग 25 की लमसम में ही है। अब मैं इसकी विड्थ चेक करती हूँ कि विड्थ कितनी है। तो यहाँ से हम नापेंगे इस किनारी से उस किनारी तक। ये मेरे पास है 42 इंच। 42 इंच है रिक्वायरमेंट, मुझे 40 की है, क्योंकि हिप साइज़ हमारी 40 है, तो 40 चाहिए। ठीक है, ये साइज़ सामने मैंने लिख दिया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ऐसे करके विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके दोनों किनारियों को आपस में मिला के कपड़े को 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये जो इसकी जो फोल्ड वाली साइड है उसे अपनी तरफ रखेंगे। पहले कपड़े को बिल्कुल सही कर लेंगे। प्योर कॉटन का कपड़ा है, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाना, बहुत सिंपल तरीके से बहुत सुंदर पेंट बताऊंगी मैं आपको। तो जितना भी ऊंचा नीचा कपड़ा आए, पहले आप उसे कट कर देना। उस साइड तो बंद कपड़ा है, इस साइड खुला कपड़ा है। तो अब हमने इसको बिल्कुल कपड़े को अच्छे से सेट कर लिया है। बंद साइड को अपनी तरफ रखूँगी और खुले साइड को बाहर की तरफ रखूँगी। ठीक है, कभी आपको खुला साइड अपनी तरफ नहीं करना है, जो इसकी फोल्ड साइड है उसे अपनी तरफ करना है। अब देखिए, हम इसका लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे कि लेंथ हमारे पास जो कंप्लीट लेंथ है वो 36 है। एंकल लेंथ में बनता है ये ज़्यादातर, तो 36 है। तो 36 में मैं 2 ऐड करूँगी, जैसे हम नॉर्मल सलवार में करते हैं बेल्ट वाली में, तो 38 हो जाएगा। 38 में से मैं 8.5 बेल्ट के लिए कम करूँगी, तो 29.5 आएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैंने पहले ही कपड़े में 8.5 ऊपर छोड़ दिया, और जहाँ पे मेरी कंप्लीट लेंथ यानी 38 आया, वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। ये कपड़ा मेरे पास 29.5 आना चाहिए, लेकिन मैंने इसे पूरा 30 कर दिया है। तो देखिए, मेरे पास जो इसका बॉटम है वो 13 है, 13 का मैंने हाफ लिया 6.5, तो मैंने ऐसे करके 6.5 लिया। ठीक, उसके आगे मुझे 4 इंच ऐड करना है। अब देखिए, मेरा बॉटम 6.5 आया है, हो सकता है आपका बॉटम 7 आ जाए, तो आप 7 लीजिए और 4 ऐड कर दीजिए। जो भी आपका बॉटम आएगा आप उसमें 4 ऐड करोगे ही। अब देखिए, नॉर्मल बेल्ट वाली सलवार में हम 10 इंच का आसन लेते हैं, इसका आसन थोड़ा छोटा होता है, तो इसलिए मैंने 9 इंच का लिया है। लेने के बाद आप इसे ऐसे करके मिला दीजिए। ठीक है, अगर आप हैवी साइज़ में बनाओगे तो आप पूरा 10 ले लेना। उसके बाद हमें इसका कर्व देना है। तो देखिए, कर्व को हम मोस्टली ऐसे दे देते हैं, कहीं पे भी घुमाव डाल देते हैं, तो वो आपका कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो इसका एक मेज़रमेंट है, आप यहाँ पे नापिए, ये 9 है, इस जगह पे आप 9 को छोड़ दीजिए और 2 इंच का अंदर गैप दे दीजिए। ये देखिए, और बस यहाँ पर आप कर्व दे दीजिए, इसको नीचे से ऐसे मिला दीजिए। ये देखो, नीचे तो हमने मिला दिया, और ऊपर को कर्व दे दो। बस सिर्फ इतना ही करना है, करते ही ये आपकी जो सलवार है ना, इसकी शेप बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको, तो लेकिन लाइन के ऊपर काटेंगे, मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ पहले ही ऐड कर चुके हैं। और ये जो कर्व है ना, यहाँ पर भी आपको मार्जिन ऐड नहीं करना, क्योंकि बहुत किनारे की सिलाइयाँ होती हैं सलवार में, सिर्फ आपको कर्व के ऊपर ही कटिंग करना है। जो हमने आसन 9 दिया है, अगर आप किसी हेल्दी लेडीज़ का बना रहे हो, बड़े साइज़ में ले रहे हो, तो आप उसमें 10 इंच का आसन ले लेना, वो बिल्कुल ठीक रहता है। ये मैं एक लड़की का बना रही हूँ, तो मैंने 9 इंच का आसन लिया है। ठीक है, तो ये देखिए, ऐसे करके अब ये जो कपड़ा बचा है, यहाँ पे हम बेल्ट लेंगे। तो बेल्ट लेने के लिए हमारा हिप साइज़ है 40, 40 का हाफ किया मैंने, 20 कर लिया। 20 में मुझे 4 इंच मैं ऐड करूँगी, तो मेरे पास 24 हो जाएगा। और बेल्ट की लेंथ में जब मैंने कटिंग करते समय 8.5 कम किया था, तो मैं इसको 9 की बेल्ट लूँगी। ठीक है, तो मैंने पहले अपने कपड़े को देखा कि मेरा 9 कहाँ तक आ रहा है, तो मैंने वहाँ निशान लगा लिया। अब मैंने पूरा 20+4 24 पे मैंने निशान लगाया, और पूरा 9 इंच मैंने मार्क कर लिया। ये देखिए,
अगर सपोज करो मेरा यहाँ पे पूरा 9 नहीं आता तो मैं किसी और साइड से बेल्ट निकालती, तो ये तो मेरे पास स्मॉल साइज़ में, मतलब स्मॉल तो नहीं कह सकते कि मीडियम साइज़ में है। अगर आप हैवी साइज़ में बनाओगे तो ज़रूर आप उसकी बेल्ट में मार्जिन रख लेना, क्योंकि ये जो फिटिंग की होती है, ये जो स्ट्रेट सलवार होती है ना, ये फिटिंग की होती है, तो अगर नहीं भी रखोगे स्मॉल साइज़ में मीडियम साइज़ में मार्जिन तो चल जाएगा, लेकिन हैवी साइज़ में आप ज़रूर रख लेना बेल्ट के अंदर मार्जिन। तो देखिए बेल्ट हमारी कट चुकी है और ये भी हमारा कट गया है, ठीक। अब इसको सिलने का बहुत ही आसान तरीका है, दोनों साइड से आप सिल लो, और जैसे बिल्कुल आपकी बेल्ट वाली सलवार बनती है ना, बिल्कुल बेल्ट वाली सलवार की तरह ही आपको सिलना है, साइडों में कट भी वैसा ही लगाना है। सिर्फ आपको मैं इसका बॉटम बनाना बता दूंगी, ऊपर आप वैसे ही बनाना। अब देखिए बॉटम में मैंने क्या किया, एक सिलाई लगा ली जिसे मैं खींच सकूँ। अब देखो मैंने थोड़ी सी ऊपर करके लगाई है, ठीक है ना, जोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, थोड़ी ऊपर करके सिलाई लगाने से हमारी जो प्लेट्स आती है ना वो बहुत अच्छी आती है। अब मैं एक साइड से धागे को खींचूंगी, ये देखिए खींच के मैं इसे अभी ऐसे ही रफली खींच रखा है, और खींच के देखूंगी कि मैं, ये मेरे पास 13 का बॉटम था तो 13 में मैं 2 ऐड करूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अंदर भी चाहिए ना रखने के लिए, तो 15 होना चाहिए, तो ये मेरे पास पूरा 15 आ रहा है। अब मैं इसकी जो ये प्लेट्स आएंगी इसको मैं सेट कर लूंगी, ये देखिए ऐसे करके आप सेट करना, एक साइड दबा लेना कपड़े को और ऐसे सेट करना, बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है, छोटी छोटी हल्की हल्की सी चुन्नट आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी, ये देखिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके जो दोनों साइड है वो खाली होने चाहिए, ये देखिए इधर भी खाली है और इधर भी खाली है, सिर्फ ये सेंटर में ही होना चाहिए जो इसकी चुन्नट आएगी ना। तो अब हम इसे देखते हैं, पूरा 15 है, तो देखिए मेरे पास पूरा 15 है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने बुकरम काटी है, इसको मैंने पूरा 15 लिया है, तो 15 से थोड़ी एक्स्ट्रा आ रही है तो इसे मैं कट कर देती हूँ, ये देखिए अब ये मेरे पास कंप्लीट 15 हो गई है, और 1.4 का मैंने इसका हाइट लिया है, ठीक है, ये आप 1 तक की भी हाइट ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। अब मैंने क्या किया, एक ब्लैक कलर का कपड़ा काटा, तो थोड़ा सा मुझे साइडों में और थोड़ा थोड़ा दोनों साइड मुझे कपड़ा चाहिए, तो देखिए 1.4 का मैंने बुकरम लिया था, और ये जो मैंने कपड़ा काटा है ये देखिए 3.4 का काटा है, तो यानी 2 इंच एक्स्ट्रा काटा है। अब एक साइड से मैं ऐसे करके थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके रख दूंगी इसके ऊपर, ये देखिए, ठीक, और रख के मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी, ये हमारा सिलाई लग गया। अब मुझे क्या करना है, इसको इसके ऊपर सलवार पे अटैच करना है, तो इसका तरीका ये है कि आपको इसे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर मुझे जोड़ना है तो मुझे देखना होगा इसका सीधा सलवार किस साइड है, देखिए यहाँ सीधा है ना, तो मुझे क्या करना है, इसे उल्टी साइड रखना है, ये देखिए उल्टी साइड रखना है और सीधी तरफ पलटना है। अब सिलते समय ये जो मेरे पास एक साइड तो मैंने फोल्ड करके सिल दिया था, और एक साइड मेरे पास जो खाली कपड़ा है वो सिलना है, उससे मैंने पहले कपड़े को देखूंगी इक्वल है या नहीं है, तो कपड़ा तो लगभग इक्वल है, थोड़ा बहुत था तो वो मैंने कट कर दिया, क्योंकि अगर ज़रा भी ऊंचा नीचा होगा तो वो हमारी बॉटम में दिक्कत देगा। अब मैं इसे ऐसे करके सिल दूंगी, ये देखिए, अब देखिए पखिया तो मैंने बहुत ऊपर लगाया था, लेकिन सिलना हमें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही, जैसे एक पैर की पखिया बस जाएगा इतना ही, वो तो लगभग 1 इंच के आसपास मैंने ऊपर कर रखा है, ये देखिए, ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर इन केस कभी लंबाई छोटी हो जाए तो आपको कपड़ा मिल सके, ठीक है ना, कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, तो वैसे तो होती नहीं है, ये एंकल लेंथ होती है तो ठीक रहती है इसकी लेंथ, ये देखिए अब हमने ये कर लिया ना, ये देखिए अब ये बखिया है ना, बाद में निकल जाएगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है कुछ निकालने की, क्योंकि जब हम ऊपर इसको नीचे से जो मोरी की बुकरम है ऊपर लाएंगे तो वो उसके ऊपर ही आएगा, ये देखिए, इसीलिए मैंने बखिया ऊपर लगाया था। अब हमने इसे पलटा और पलट के अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ये देखिए ऐसे खींच के रखना है, ये देखिए प्लेट्स को आपको ऐसे खींचना है, एक हाथ से बिल्कुल इक्वल रखनी है, आप ऐसे चलाते जाइए मशीन और ऐसे करके खींचते रहिए, ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट मशीन से ना हो रहा हो तो आप यहाँ पे पिनअप कर लीजिए, जिससे कि ये बिल्कुल आपकी एक सी आएँ और चुन्नटें टेढ़ी मेढ़ी भी ना हो। तो ये देखिए हमारे पास इसका बॉटम बन गया है। अब देखें हाइट, अब 1.4 लिए, हाइट आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं, अगर आप हाइट इसकी कम करेंगे ना तो आप लेंथ में कटिंग करते समय थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है,
तो ये तो मैंने 1.4 का रखा है, तो अगर आप हाइट कम करोगे तो आप उसमें पहले ही जितना कम करोगे उतना उसमें बढ़ा लीजिएगा। ठीक, अब हम इसका बॉटम सिलेंगे। तो बॉटम सिलने के लिए जैसे हम नॉर्मल सलवार में तिरछी सिलाई लेते हैं, तो इसमें हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लेनी है। ये देखिए मैंने 6.5 लिया और बस सीधी सिलाई ली है। ठीक है, तिरछापन अगर लेना भी है तो बहुत हल्का सा लेना है। अब मैं बस ऐसे करते हुए ये देखिए ऐसे सिलते हुए किनारे पे आ जाऊंगी। ये देखिए आजकल बहुत फैशन में चल रही है और बहुत सुंदर लगती है पहनने में। और सबसे अच्छी बात है ना, इसमें लास्टिक डल जाता है, ज़्यादा इसमें कटिंग भी ज़्यादा नहीं होता और लास्टिक आप डाल दो। ये देखिए ऐसे सिलाई लगाना है, ठीक यहाँ पर आके ऊपर मिल जाना है। तो अभी मैं इसका पूरा सिलाई लगा के फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन गया हमारा बेल्ट बिल्कुल। अब देखिए बेल्ट का चुन्नट मैंने वैसे ही डाला जैसे सिंपल का डालते हैं, बस किनारे पे 2.5 हमें छोड़ना है। ठीक है, किनारे में हमारा यहाँ पर 2.5 छोटा होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, बस 4-5 ही प्लेट्स आती हैं। और ये देखिए अब नीचे की तरफ हम आ रहे हैं और ये देखिए, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए ये टी शर्ट पे भी बहुत अच्छी लगती है, सूट पे तो लगता ही अच्छा है। अगर आप टी शर्ट वगैरह पहनो ना उसके साथ भी ये सलवार बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि बच्चे लोग इन पैरों में निकलते हैं सलवारें गिर जाते हैं, ये बिल्कुल अपना ऊपर ही रहती हैं। तो देखो कितनी सुंदर सलवार बनी है। ठीक है ना, ये अब आपको मैं दिखाती हूँ इसको बेल्ट। ये देखिए बेल्ट मैंने बीचों बीच से, यहाँ से बीचों बीच में मैंने प्लेटें नहीं डाली ना, यहाँ से यहाँ हाफ इंच जब लिया है। ये देखिए ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ का सेंटर पॉइंट हमारा इतना आगे आना चाहिए। ये देखिए बेल्ट से इतना आगे आना चाहिए और इधर भी आप देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल कोने में नहीं जाना चाहिए। अगर आपके सेंटर पॉइंट बिल्कुल ठीक जगह पे होंगे, यहाँ पर बिल्कुल सीधे होंगे, तो आपकी सलवार हमेशा खड़ी रहेगी। और अगर आपके हिल जाएंगे तो ये सलवार का जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये पीछे चला जाएगा। तो इसलिए आपको सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है कि आपका सेंटर पॉइंट बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए और ये कर्व भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, इससे आपकी सलवार पीछे से उठेगी नहीं। अब आप इसका क्रॉच लाइन देखिए, 1/3 लेंथ प्लस 2 इतना हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे ये मेरे पास 36 लेंथ का था ना, तो मैंने इसको 3 से जब डिवाइड किया मेरे पास 12 आया, और 2 ऐड किया तो मेरे पास 14 हो गया। ये मेरे पास 14 हो गया पूरा। तो बिल्कुल सेम आप ऐसे ही बनाओ, इसे ट्राई करो। ये देखिए ऊपर लास्टिक हमने डाला है, जैसे बिल्कुल सिंपल पेंट प्लाजो वगैरह में लास्टिक डालते हैं वैसे ही डला है। मेज़रमेंट भी वही है जैसे हम पेंट प्लाजो में डालते हैं। अब आप इसे देखो, आपको देखते ही पता चलेगा, देखने से ही पता चल जाता है ये देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है। ठीक, तो आप इसे ट्राई करो और आपको अगर ये अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।